मुरादाबाद की रहने वाली सुनीता पांडे ने पावर लिफ्टिंग की दुनिया में मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। मास्टर कैटेगरी में सुनीता पांडे ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ऑल ओवर स्ट्रांग वुमेन कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 21 सितंबर को दिल्ली के रोहिणी में WPC इंडिया द्वारा आयोजित फुल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में मास्टर एक कैटेगरी में गोल्ड मेडल तथा ऑल ओवर स्ट्रांग वुमेन्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पावर लिफ्टिंग की दुनिया में इस खिताब को हासिल करने वाली सुनीता पांडे मुरादाबाद की पहली महिला बन गई हैं। कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद सुनीता पांडे आज इस मुकाम पर हैं। सुनीता पांडे का यह 5वां कॉम्पिटिशन था। उन्होंने पहले कॉम्पिटिशन 29 जनवरी 2022 को दिल्ली लाडो सराय में खेला था और वहां उन्होंने जीत हासिल कर मुरादाबाद का नाम रोशन किया था। सुनीता पांडे का यह 5वां कॉम्पिटिशन था जो 21 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया था। मुरादाबाद लौटने पर उनके सभी सहयोगी, ट्रेनर और जिम के सदस्यों ने उनको बधाई दी। शहर मुरादाबाद के लाजपत नगर स्थित द बेस्ट जिम में सुनीता पांडे अपनी पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। द बेस्ट जिम क्षेत्र का सबसे बड़ा जिम है। जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक महिलाओं को ट्रेनिंग देता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनके कोच और सभी साथियों का भरपूर सहयोग है। सुनीता पांडे ने कहा कि फुल पावर लिफ्टिंग में एस्कॉर्ट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस में उन्होंने ये खिताब हासिल किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी किसी न किसी फील्ड में आगे आकर अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहिए। सुनीता पांडे ने कहा कि वह अगले होने वाले कॉम्पिटिशन के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं। द बेस्ट जिम के ऑनर और सीनियर बॉडी बिल्डिंग कोच मोहम्मद नाजिम ने सुनीता पांडे को बधाई देने के साथ साथ कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनीता पांडे बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं और इसी मेहनत की वजह से आज वे इस मुकाम पर हैं। उन्होंने और महिलाओं को भी कहा कि सुनीता पांडे से प्रेरणा लें और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। और द बेस्ट जिम में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और यही कर रही हूँ मैं 4 साल से कंटिन्यू। और ये जो कंपटीशन हुआ था, ये दिल्ली रोहिणी सेक्टर 9 में हुआ था। कंपटीशन का नाम है WPC इंडिया। इसमें फुल पावर लिफ्टिंग थी जिसमें हमने पूरी कोशिश की फर्स्ट लगने की। और यहाँ जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की, हमारे जितने जूनियर सीनियर कोच हैं, ट्रेनर हैं, सब ने मिल के, हमारे सर ने, सब ने मिल के इतनी मेहनत की कि हमें उम्मीद नहीं थी। कि क्योंकि मैंने वेट स्क्वाड का पहला कंपटीशन अटेंड किया जो फुल पावर लिफ्टिंग था। इससे पहले मैंने डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस किया है, लेकिन इस बार ऐसा था कि यह फुल पावर लिफ्टिंग था। इसमें यह था कि अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप जो हैं इस रेस में नहीं आ सकते हैं। यहाँ से हम लोग तैयारी करके गए और वहाँ जाने के बाद में सर ये लगा कि शायद मेरा नंबर नहीं लगेगा, मैं किसी कीमत पर जीत नहीं पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यानी महाराष्ट्र तक से लेडीज आई थी। उसमें 2 लेडीज ऐसी थीं जिन्हें देख के हम ये सोच रहे थे कि शायद ये गेस्ट हैं, लेकिन जब वो कॉस्ट्यूम पहन के बाहर निकली तो हमको पता चला कि ये भी जो है पार्टिसिपेट करेंगी। वो उसमें एक 72 ईयर्स की थी और एक मैम थी 66। तो उन्होंने आगे जब उन्होंने अपना सेट लगाया सर, उनको देख के ऐसा लगा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि औरतें 40 साल के बाद में भाई ये मत उठाओ, कमर चली जाएगी, ये मत करो। उनको देख के ये लगा कि अभी मैं बहुत आगे जा सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। इसके अलावा आपके कंपटीशन जो आपने खेला है, कितनी मेहनत आपने की है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर इसमें मैंने 2 महीने से इतनी मेहनत करी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपको जो पुरस्कार मिला है, कौन से रैंक का पुरस्कार है? सर मेरे को जो पुरस्कार मिला है वो फर्स्ट गोल्ड लगा है मेरे एज ग्रुप में, मेरे वेट ग्रुप में, और ऑल ओवर जो स्ट्रॉन्ग वुमेन में मेरा 3रा नंबर आया है। देखिए ये डेडलिफ्ट और स्क्वाट और बेंच प्रेस तीनों का कंपटीशन था ये दिल्ली में, और इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 2 महीने से बहुत अच्छी मेहनत करी। और मुरादाबाद की पहली लेडी हैं ये जो इंडिया में डेडलिफ्ट, बेंच और स्क्वाट में 5 बार इंडिया गोल्ड जीती है। मुरादाबाद करना पहली लेडी है। किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है? देखिए ये हमारे साथ पर्सनल ट्रेनिंग में रहती हैं, जब भी ट्रेनिंग करती हैं पर्सनल ट्रेनिंग में रहती हैं, इनके साथ एक ट्रेनर रहता है वो पूरी इनको गाइड करता है। ये स्टार्टिंग इन्होंने खाली रॉड से करी थी और आज ये 140 किलो तक हमारे जिम में आराम से डेडलिफ्ट
बहुत आराम से लगा लेती हैं। 110 किलो की स्क्वाट है इनकी और 60 किलो की बेंच है, बेंच प्रेस। गोल्ड मिला है, जिम में माहौल कैसा है क्या? जिम का माहौल जिस दिन से मैं तो बाहर था भी, ये जब से जीत के आई हैं तो जिम का माहौल ऐसा है, बस मिठाइयाँ चल रही जिम के अंदर और बहुत खुश हैं सब लोग कि पाँचवीं बार ये इंडिया में गोल्ड लगे। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ा जिम से दूर रहती हैं? देखिए, महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप जिम आएँ, एक बार घर से निकलें, अपने एक्टिविटी करें, आप जिम करें, रनिंग करें या कोई सी भी एक्टिविटी करें, डाइट पर रहें। ये नहीं कि बाहर का फास्ट फूड खा रही हैं, सब कुछ खा रही हैं, ये सब आप नहीं खाएं और जिम करें।